नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वी न्यूज, हर कदम खबर की ओर। तो चलिए अब नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। घुघुस पुलिस ने कल चरस और गांजा बेचने वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसमें 17,900 रुपयों का कुल 174 किलो का गांजा जब्त किया गया है। फिलहाल आरोपी सुखदेव तिवारी और प्रताप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। भद्रावती के माजरी में रेलवे मेन लाइन के सी कैबिन के पीछे एक बाघिन मृत अवस्था में मिलने से वन विभाग में मची खलबली। जिस जगह पर बाघिन का मृतदेह मिला वह जगह पाटेकर नामक किसान की होकर इस किसान ने जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु विद्युत फेंसिंग लगा रखी थी और इसी फेंसिंग में फंसकर बाघिन की मृत्यु होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बाघिन की उम्र लगभग 6 से 7 वर्ष होने की जानकारी है। प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में बदलाव करने का निर्णय लेकर इसे 2023 में लागू किया जाने वाला है। छात्र इस निर्णय को लेकर आक्रामक होकर सड़कों पर उतर आए हैं। साथ ही इस पाठ्यक्रम को 2025 से लागू किए जाने की मांग भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है और इन दिनों खूब पतंगबाजी भी की जाती है, लेकिन सरकार द्वारा नायलॉन मांझे पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद कुछ जगहों पर अभी भी नायलॉन मांझे चोरी छिपे बेचे जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में चंद्रपुर पुलिस की टीम ने 12 कार्रवाई कर 1,85,000 रुपयों का सामान जब्त किया है। जब मैराथन प्रतियोगिता की बात आती है तो सबसे पहले शारीरिक क्षमता के बारे में सोचना पड़ता है। गौरतलब है कि इस मैराथन प्रतियोगिता में चंद्रपुर जिले के नवेगांव पांडव की सरपंच एडवोकेट शर्मिला रामटेके को चुना गया है। इस प्रतियोगिता में 16 सरपंच और महिला पदाधिकारी शामिल है। साथ ही महिला सशक्तिकरण का संदेश फैलाने के लिए मुंबई में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चंद्रपुर जिला परिषद के सीईओ विवेक जॉनसन छात्रों के लिए हमेशा नई गतिविधियों को लागू कर उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। ऐसे में उन्होंने छात्रों में बचत की आदत डालने हेतु एक अनूठी पहल चलाई। जिला परिषद स्कूलों में जिन छात्राओं की संख्या 100 से कम है उन स्कूलों में बैंक शुरू कर छात्राओं को बचत की शिक्षा दी जा रही है। इस बैंक में मैनेजर, कैशियर, क्लर्क, ग्राहक, स्कूल के सभी छात्र होकर उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। रावेर तहसील के एक गांव से छेड़खानी का मामला आया सामने। यह घटना उस वक्त हुई जब 25 वर्षीय एक विवाहिता घर में अकेली थी और तभी देवर ने कुछ अश्लील बातचीत शुरू कर दुष्कर्म को अंजाम देना चाहा। फिलहाल विवाहिता ने रावेर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर दी है और आगे की जांच पुलिस द्वारा शुरू है। आर्नी तहसील के सावली सदोबा क्षेत्र में अवैध रेत तस्करों की संख्या काफी बढ़ गई है। इसमें कई राजनीतिक नेता और पुलिस प्रशासन शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस कर्मियों और महसूल विभाग के अधिकारियों को खरीदने की आशंका नागरिकों द्वारा जताई गई, जिसके चलते अब इन अवैध कामों को लगाम लगाने के लिए कौन सामने आएगा, यह सवाल नागरिकों को हैरान कर रहा है। आज लड़कियां विभिन्न क्षेत्रों में ऊंची उड़ान भर रही है। इसी तरह नागभीड़ की छात्रा अभिलाषा जायसवाल ने नागभीड़ तहसील से पहली सीए होने का सौभाग्य प्राप्त किया। हाल ही में मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में उन्हें यह खिताब दिया गया। अपनी इस कामयाबी से अभिलाषा ने नागभीड़ तहसील का नाम रोशन किया है। तो सिटी वी न्यूज, हर कदम खबर की ओर में ही अति खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सिटी वी के साथ। नमस्कार।